मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया था। उनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और कोचिज को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में 400 और अपने पूरे करियर में 1000 गोल करने वाले ध्यानचंद को लोग हॉकी का जादूगर भी कहते थे। कहते हैं कि बॉल उनकी हॉकी स्टिक के साथ इस तरह से चिपकी रहती थी कि लोगों को शक होता था कि कहीं उनकी हॉकी स्टिक में मैग्नेट या गोंद तो नहीं लगी। उन्हें हॉकी का भगवान भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगी है जिसमें उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं और सभी हाथों में हॉकी स्टिक्स हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, लेकिन ये प्रतिभा उनमें जन्मजात नहीं थी, बल्कि कड़ी मेहनत, लगन, संघर्ष और संकल्प के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। ध्यानचंद के पिता समेश्वर सिंह आर्मी में सूबेदार थे और आर्मी में होने के कारण उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। बार बार होने वाले ट्रांसफ़र की वजह से ध्यानचंद की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी, जिस कारण ध्यानचंद ने 6ठी क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। पर 1922 में 16-17 साल की उम्र में ही उन्होंने एक सैनिक के रूप में आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी ज्वाइन करने से पहले उन्हें ना तो हॉकी खेलना आता था और ना ही हॉकी के खेल में उनकी कोई खास रुचि थी। आर्मी में जब उन्होंने दूसरे लोगों को हॉकी खेलते हुए देखा तो उनमें भी हॉकी खेलने की इच्छा जगी। ध्यानचंद हॉकी सीखने के लिए खूब मेहनत करते थे। एक रात चांद की रोशनी में वो लगातार हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें देखकर उनके दोस्त उन्हें चिढ़ा रहे थे, पर वो किसी की परवाह किए बिना पूरी लगन से प्रैक्टिस किए जा रहे थे। उनकी लगन को देखकर उन्हें हॉकी सिखाने वाले सूबेदार बाले तिवारी ने कहा था, चांद की रोशनी में जैसे मेहनत कर रहे हो, एक दिन हॉकी का चांद बनकर चमकोगे। मैं आज से तुम्हें ध्यान सिंह नहीं बल्कि ध्यानचंद कहकर पुकारूंगा। सूबेदार बाले तिवारी ने ध्यानचंद को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए उन्हें हॉकी के खेल की हर बारीकी सिखाई और ध्यानचंद भी एक अच्छे शिष्य की तरह सब कुछ सीखते गए। धीरे धीरे ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनके मुरीद पूरी दुनिया में थे। 1922 में आर्मी में भर्ती होने के बाद उन्हें सबसे पहले विदेश में खेलने का मौका 1926 में मिला। 1926 में सेना की हॉकी टीम को न्यूजीलैंड खेलने जाना था। ध्यानचंद को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका चयन भी टीम में हो सकता है। एक दिन अचानक उनके कमांडिंग ऑफिसर उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें हॉकी खेलने के लिए टीम के साथ न्यूजीलैंड जाना है। ध्यानचंद के साथ साथ भारत की हॉकी टीम का भी ये पहला विदेशी दौरा था। न्यूजीलैंड में खेले गए 21 मैचेस में से 18 मैचेस में भारत की टीम ने जीत हासिल की और अपने पहले विदेशी दौरे में ही सबको चौंका दिया। भारत की टीम ने 192 गोल किए जिनमें अकेले ध्यानचंद ने 100 गोल दाग दिए। न्यूजीलैंड से लौटने के बाद उन्हें लांस नायक के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इस दौरे में भारत की टीम सिर्फ एक मैच हारी थी और जब कर्नल जॉर्ज ने ध्यानचंद से पूछा कि उनकी टीम एक मैच क्यों हार गई तो उनका जवाब बड़ा चौंकाने वाला था। ध्यानचंद ने जवाब दिया कि उनकी टीम एक मैच इसलिए हार गई क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पीछे बाकी 10 खिलाड़ी भी हैं। इसके बाद उन्होंने 1928 के ओलंपिक्स में भी भारतीय टीम को हॉकी में गोल्ड दिलवाया। ये वो समय था जब भारत की हॉकी टीम का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। इस ओलंपिक में भारत की टीम ने डच, जर्मन, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। ध्यानचंद ने 5 मैचों में 14 गोल करके अपनी अलग पहचान बना ली थी और फाइनल के 3 गोल भी ध्यानचंद के ही नाम थे। इस जीत के बाद जब भारत की टीम वापस लौटी तो उनके स्वागत में पूरा देश उमड़ पड़ा। बंबई के डॉकयार्ड पर मालवाहक जहाजों की आवाजाही को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया था। अखबारों में उनकी हॉकी स्टिक को जादू की छड़ी और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। इसके बाद 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में ध्यानचंद को सीधे चुन लिया गया, जबकि उनके भाई रूप सिंह और दूसरे साथी खिलाड़ी इंटर प्रोविजनल टूर्नामेंट खेलकर ओलंपिक्स में अपना स्थान सिक्योर कर पाए थे। इस ओलंपिक्स में भी भारत ने जीत हासिल की। फाइनल मैच में अमेरिका को 24-1 से हराकर भारत ने एक बार फिर गोल्ड अपने नाम कर लिया। 1932 के ओलंपिक्स में जीत के बाद भारत की टीम एक इंटरनेशनल टूर पर भी गई थी, जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे देशों में बहुत से मैचेस खेले। ये टूर इतना शानदार था कि खेले गए 37 मैचों में भारत ने 34 में जीत हासिल की और कुल 338 गोल किए। इन 338 गोल्स में
ध्यानचंद के नाम 133 गोल्स थे। साल 1934 में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन बन गए। इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भी ध्यानचंद ने ही टीम की कमान संभाली और भारत को एक और गोल दिलाया। इस बार के ओलंपिक्स में भारत ने फाइनल मुकाबला जर्मनी से खेला। जर्मनी पर हिटलर नाम के तानाशाह का राज था। हिटलर खुद फाइनल मैच देखने के लिए मैदान पर मौजूद था, लेकिन इस मुकाबले में जैसे ही ध्यानचंद एंड टीम ने जर्मनी को पटखनी देनी शुरू की तो कुछ ही देर में हिटलर मैच छोड़कर चला गया। उस दिन बर्लिन के स्टेडियम में 40,000 लोग मैच देख रहे थे, जिनमें बड़ौदा के महाराज, भोपाल की बेगम और हिटलर के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत जर्मनी से सिर्फ एक गोल आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव मैदान में आ गए। भारत ने ये मुकाबला 8-1 से जीत लिया था। हिटलर ने भारत और जर्मनी का पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन ध्यानचंद की जादूगरी के चर्चे हर तरफ हो रहे थे। हिटलर तक भी ध्यानचंद की जबरदस्त खेल प्रतिभा की खबरें पहुंची। हिटलर ओलंपिक खेलों के समापन के दिन ध्यानचंद से मिला। कहते हैं कि हिटलर ध्यानचंद से इतना इम्प्रेस हो चुका था कि उसने ध्यानचंद को अपनी सेना में कर्नल बनने का ऑफर दे दिया था। ध्यानचंद एक सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने तुरंत हिटलर का वो ऑफर ठुकरा दिया। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। टीम को यूनियन जैक के झंडे के तले ही खेलना होता था, लेकिन भारतीय हॉकी टीम की हालत इतनी खराब थी कि विदेशों में खेलने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। ओलंपिक से पहले एक बार भारतीय हॉकी टीम जर्मनी से खेलने के लिए गई थी, तब जर्मनी ने टीम का पूरा खर्च उठाया था। इससे पहले 1928 के ओलंपिक्स में बंगाल हॉकी संघ, 32 में पंजाब नेशनल बैंक और बंगाल हॉकी संघ ने हॉकी टीम की पैसों से मदद की थी। खैर, ध्यानचंद के खेल को देखकर लोग बहुत हैरान होते थे। बहुत बार उनकी हॉकी स्टिक्स को तोड़कर देखा गया कि कहीं उनमें चुंबक तो नहीं, और कई बार उनकी हॉकी स्टिक्स बदल कर भी देखी गई, लेकिन फिर भी उनका खेल वैसा ही रहता था, क्योंकि जादू उनकी छड़ी में नहीं बल्कि उनके हाथों में था। मैदान में बैठे दर्शक भी ध्यानचंद की इस जादूगरी से सम्मोहित हो जाते थे। एक बार ध्यानचंद के खेल को देखकर एक लड़की उनके पास आकर बोली, तुम किसी एंजल की तरह से लगते हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? ये सुनकर ध्यानचंद शर्मा गए और बोले, माफ़ कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ। जहाँ एक तरफ लोग उनकी प्रतिभा को देखकर हैरान होते थे, वहीं कुछ लोग उन्हें तरह तरह के चैलेंजेस भी देते रहते थे। जैसे कि एक अंग्रेज अधिकारी की बीवी ने उन्हें छतरी से खेलने का चैलेंज दिया। ध्यानचंद ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरा भी करके दिखाया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान और उनके साथ 1936 के ओलंपिक में खेलने वाले INS दारा ने कहा था, ध्यानचंद तेज गति से नहीं दौड़ते थे बल्कि वो धीमा ही दौड़ा करते थे, पर उनके पास गैप को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वो ये भी कहते हैं कि डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेस्ट गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रह जाता था। दो बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त बताते हैं, वो इस तरह से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उन्हें बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और विरोधी खिलाड़ी मूव कर रहे हैं। उनके मैदान को मापने की क्षमता का पता इस बात से भी चलता है कि एक बार उन्होंने एक शॉट मारा और बॉल पोल से टकरा गई। उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि सच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कम थी। क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने भी एक बार उन्हें हॉकी खेलते देखा था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। अपने आखिरी दिनों में ध्यानचंद लोगों और सरकार की बेरुखी से चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन खेलने के समय वो बहुत शांत स्वभाव के हुआ करते थे। एक बार एक मैच में उन्होंने विरोधी टीम में खलबली मचा दी, जिससे विरोधी टीम के खिलाड़ी संतुलन खो बैठे और अचानक ध्यानचंद को चोट मार दी। फर्स्ट एड के बाद जब ध्यानचंद मैदान में लौटे तो उन्होंने चोट मारने वाले उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट ना लगे। लग रहा था कि वो उस खिलाड़ी से बदला लेंगे, लेकिन उनका बदला लेने का तरीका बड़ा अलग था। उन्होंने एक साथ 6 गोल कर दिए और अपनी भाषा में जवाब दिया। 1938 में उन्होंने 42 साल की आयु में हॉकी से संन्यास ले लिया था। 1956 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 1956 में 51 वर्ष की आयु में ध्यानचंद सेना से मेजर के पद पर पहुंचकर रिटायर्ड हुए। भारत सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी की थी। हालांकि ध्यानचंद अपने आखिरी दिनों में हॉकी फेडरेशन के रवैये से खुश नहीं थे। उनके बेटे अशोक कुमार ने भी हॉकी ऑफिशियल के रवैये की वजह से
हॉकी से जल्दी संन्यास ले लिया था। ध्यानचंद के बाद भारत की हॉकी टीम का जादू भी खत्म सा हो गया। 2 दिसंबर 1979 को हॉकी का ये जादूगर दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन ध्यानचंद के मैदान पर दिखाए गए जादू को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जा चुका है।